हाल ही में कार्तिक आर्यन की नवीनतम फिल्म फ्रेडी शीर्षक से सुर्खियां बटोर रही है। शशांक घोष वीर दी वेडिंग में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, एक रोमांटिक थ्रिलर के रूप में बिल की गई फिल्म फ्रेडी का निर्देशन करते हैं। इस समय हम फिल्म के बारे में इतना ही जानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्तिक आर्यन अभिनीत फ्रेडी की मुश्किलें चरमरा गई हैं और यह एक ओटीटी रिलीज के लिए बंद है, जिसका अर्थ है कि फिल्म इंटरनेट पर स्ट्रीम नहीं हो पाएगी। कार्तिक आर्यन अभिनीत फ्रेडी की कल्पना एक ओटीटी फिल्म के रूप में की गई थी, जैसे नेटफ्लिक्स की धमाका, एक अच्छी तरह से स्थापित उद्योग के अंदरूनी सूत्र के अनुसार। हालांकि हमारे स्रोत के अनुसार फ्रेडी धमाका के विपरीत एक प्रसिद्ध ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसकी विषय वस्तु और संचालन के कारण फिल्म के निर्माताओं ने कई प्रसिद्ध ऑनलाइन वीडियो ऑन डिमांड ओटीटी प्रदाताओं से संपर्क किया है, लेकिन किसी ने भी फिल्म में रुचि व्यक्त नहीं की है, इस तथ्य के बावजूद कि इन प्रदाताओं को दांव लगाने के लिए लुभाया जा सकता है। कार्तिक के नाम और सेलिब्रिटी पर अपने उत्पाद को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाने में उनके सामने आने वाली चुनौतियों के आलोक में हमारे अंदरूनी सूत्र का कहना है कि निर्माता ऐसी सभी योजनाओं को छोड़ने का फैसला कर सकते हैं और पारंपरिक रूप से सिनेमाघरों में तस्वीर जारी कर सकते हैं, जहां कार्तिक आर्यन पहले ही सफलता पा चुके हैं और खुद को एक स्टार के रूप में स्थापित कर चुके हैं। डॉट ऐसा प्रतीत होता है कि वे अब इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, विशेष रूप से बॉक्स ऑफिस पर भूल भुलैया 2 की सफलता के बाद, क्योंकि उनका मानना कि एक ओटीटी की तुलना में एक नाटकीय रिलीज के माध्यम से फ्रेडी के लिए वांछित कीमत हासिल करना आसान होगा।